वे सभी बधाई के पात्र हैं अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस यात्रा में अपना किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है और राष्ट्र के भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म दिया है। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूँ तो उससे मेरा मतलब कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के, कुछ साइंटिफिक ऑपरेटर्स के केवल डेवलप कर लेने भर से नहीं है, यह हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से मेरा आशय यह है कि वैज्ञानिकता और तार्किकता ये दोनों हमारी सोच में हो, वह हमारे बात और हमारे व्यवहार में हो और वह हमारे स्वभाव में भी हो। आवश्यक नहीं हम जब विज्ञान का विषय पढ़ें तभी हम साइंस से दो चार हों, बल्कि हम आर्ट्स, म्यूजिक और साथ ही साथ एस्थेटिक्स भी पढ़ें तो हम उसमें भी साइंटिफिक अप्रोच रख सकें। मैं इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की यहाँ पर अध्यक्ष महोदय बात कर रहा हूँ और हम सब इस संबंध में बड़े भाग्यशाली हैं अध्यक्ष महोदय कि यह टेम्परामेंट प्राचीन काल से ही हम भारतवासियों को विरासत में मिला हुआ है। आप देखें, चाहे हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद हों या फिर उपनिषद देख लें या फिर स्मृति ग्रंथ देख लें, सर्वत्र आपको विज्ञान या फिर विज्ञान से युक्त विचारों के दर्शन करने को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक आदि से जुड़े जितने भी फार्मूले यानी सूत्र हैं हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये दिखाई देते हैं, जो ग्रंथ हमारी संस्कृत के आधार हैं। इनके मैं उदाहरण दे सकता हूं लेकिन लंबा समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है और कुछ ऐसे लोग हमारे सदन में भी हो सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीच विरोधाभास है, कुछ ऐसे भी मानने वाले लोग हमारे देश में हैं। यहां तक कहा जाने लगा कि अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं तो आप पीपल की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप नीम की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप तालाब की पूजा कैसे कर सकते हैं, या फिर आप गाय को माता कैसे कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप वैज्ञानिक की तरफ सोचते हैं तो मूर्ति पूजा कैसे कर सकते हैं, यह कहने वाले लोग हमारे देश में हैं। महोदय, बात तो यहां तक होने लगी है कि संस्कृत का विरोध करना, विरासत का विरोध करना यह प्रगतिवाद यानी प्रोग्रेसिव होने का सूचक हो गया है। और प्रगतिवाद वह नहीं रह गया जो प्रगति की बात करे, बल्कि प्रगतिवाद वह हो गया है जो अपनी संस्कृत और विरासत का केवल विरोध करे, वह भी इसलिए कि उसे विरोध करना है। पूछा जाने लगा कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान का भला आपस में क्या लेना देना है, इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है। भारत में कभी धर्म और विज्ञान का सामंजस्य रहा ही नहीं है, यह भी कहने वाले लोग हैं। विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों का ऐसा भी आरोप रहता है, क्योंकि राज्यसभा में मैंने सुना था कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान एक साथ चल ही नहीं सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, इनका ऐसा मानना है कि संस्कृति विज्ञान की विरोधी होती है। मैं इस सदन के माध्यम से उनके इन प्रश्नों का जवाब देने की भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। भारत में यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारी संस्कृति विज्ञान की विरोधी है तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को न तो हमारी संस्कृति का स मालूम है और न ही विज्ञान का व मालूम है। हमारे जो भी साथी विज्ञान का उद्गम पश्चिम के विचारों से मानते हैं, उन्होंने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो मालूम होगा निश्चित रूप से उन्हें कि पश्चिम में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जहां चर्च और धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जाने पर, वैज्ञानिक बातें कहने पर व्यक्तियों को जहर दे देना या उन्हें जिंदा जला देना यह आम बात सी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, उनको अपने वैज्ञानिक विचार छिपाकर कहने पड़ते थे, पर आज से लगभग 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जब कहा था कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो क्या उनका विरोध हुआ था? वराहमिहिर ने जब यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स
हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या किसी व्यक्ति ने वाराह मीर के इस सिद्धांत को अधर्म कहा था? जब भी भारत में किसी ने कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है अध्यक्ष महोदय, तो भारतीय समाज ने उस व्यक्ति को ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित किया है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि संस्कृति के बगैर कल्चर के बगैर विज्ञान, और विज्ञान के बगैर कल्चर या संस्कृति अधूरी है। संस्कृति और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही अध्यक्ष महोदय वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही मनुष्यता के लिए भी यह आवश्यक है। इसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में भूस्खलन के रूप में एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई हुई थी। मैं समझता हूँ कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को इसकी जानकारी होगी, जिसके कारण एक सुरंग में हमारे कुछ मजदूर फंस गए थे। अब इससे निपटने के लिए यहाँ पर विज्ञान की भूमिका सामने आएगी। हमने सेंसर आदि के माध्यम से यह पता लगाया कि मजदूर सुरंग में कहाँ फंसे हुए हैं। उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर से उन लोगों को वहाँ से निकालने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सुरंग से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया, अन्यथा कोई न ले, जैसे ही मजदूर को सुरंग से बाहर निकाला गया, बाहर निकलते ही इसने दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी तेजी के साथ जय घोष किया, बद्री विशाल की जय। अध्यक्ष महोदय, इस वाक्य ने सारी दुनिया को बताया कि धर्म और विज्ञान किस तरह से यह आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है धर्म।